आज हम लोग देखेंगे कि देखो जियो वाईफाई 3 का पासवर्ड को कैसे रीसेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बैक पैनल को खोल देंगे। खोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि बैटरी के ऊपर एक छोटा सा छेद है, उस पर हम लोग पेपर पिन या किसी पिन के मदद से ऐसा हम लोग 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं। तो हम लोग इसे प्रेस करते हैं, तो आप प्रेस जब कीजिएगा तो आपको एहसास होगा कि कुछ दब रहा है। उसके बाद हम लोग जब उलट के देखते हैं तो ये दिखता है कि तीनों का कलर सेम हो चुका है। इसी स्थिति में हम जियो वाईफाई 3 को 3-4 मिनट के लिए रहने देते हैं, और तब तक के लिए रहने देते हैं जब तक कि वाईफाई का कलर, नेटवर्क का कलर है सो चेंज ना हो जाए। एक्चुअली में मैं भी अपना है सो जियो वाईफाई 3 का पासवर्ड भूल गया था। तब मैंने काफ़ी सर्च किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि इसे कैसे रीसेट करते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इसका एक वीडियो बनाया कि कैसे इसे रीसेट करते हैं। हाँ, और अगर आपको है सो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग है सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं तब तक जब तक कि इसका कलर वाईफाई का और नेटवर्क का चेंज ना हो जाता है। वाईफाई का कलर है सो नीला हो जाएगा और नेटवर्क का कलर है सो ब्लिंक करने लगेगा। देखिए वाईफाई का है सो नीला हो चुका है कलर, और जबकि है सो नेटवर्क का ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग इसका मतलब यह है कि अब आपका है सो ये प्रॉपर वे में काम करने लगा है, और ये नेटवर्क आपका जियो वाईफाई 3 डिवाइस है सो नेटवर्क को सर्च कर रहा है, और पासवर्ड आपका रीसेट हो चुका है। आपको याद होगा कि आपको इस डिवाइस के साथ एक है सो बॉक्स मिला होगा, उसके टॉप पे पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों लिखा हुआ है। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है सो पासवर्ड जो लिखा हुआ वही हो जाता है। अगर आप उस डब्बा को भूल चुके हैं तो वैसे कंडीशन में आप है सो जियो वाईफाई 3 के बैक पैनल को हटाइए, बैटरी को हटाइए, तो वहाँ आपको पासवर्ड है सो मिल जाएगा। उसके बाद है सो हम लोग मोबाइल में देखते हैं वाईफाई ऑन करके। देखिए जियो वाईफाई 3 का है सो आपको नेटवर्क दिखाने लगा है। अब इसमें है सो आप पासवर्ड इंटर कीजिए, हो सकता है कि एक आध बार में पासवर्ड है सो ना ले, तो आप है सो एक दो बार ट्राई कीजिए। देखिए हम लोग पासवर्ड इंटर करते हैं, उसके बाद है सो उसके बाद कनेक्ट बटन को पे क्लिक किए। तो जैसे ही हम क्लिक किए तो देखिए है सो हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है।